तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। मैं बहुत दिन के बाद वीडियो लेकर आज आया हूँ। मेरे पास टाइम नहीं होने की वजह से मैं वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब हमेशा आप सभी को वीडियो कंटिन्यू आपको टाइम से टाइम आपको हमेशा मिलेगा। तो आप चैनल पर इसी तरह से बने रहें। तो मैं आज के इस वीडियो में बात कराना पर इंटरमीडिएट का, इसमें कॉलेज का लिस्ट कैसे चेक करना है कि कौन सी कॉलेज में कौन सी फैसिलिटी के लिए कितना सारा सीट है, आप कैसे यहाँ पर चेक कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि आपको इंटरमीडिएट में जो एडमिशन होना है, जो 2022 में मैट्रिक पास कर चुके हैं सभी स्टूडेंट, तो उन सभी का इंटर में एडमिशन के लिए कब से इसका शुरू होगा, मैं उसका कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और, मन में अगर किसी भी तरह का अगर सवाल आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप सभी को जो भी सवाल मन में आता है उसका मैं सोल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। और साथ में एक और, यहाँ पर जो जितने भी स्टूडेंट होंगे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को जितना भी ऑनलाइन से संबंधित काम होगा इस पर आपको हमेशा मिलते रहेगा। और इसका जैसे ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने के लिए अप्लाई, उसका मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। आप सभी को घर बैठे आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं कैफे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल सही तरीका से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर चले आना है। आप गूगल में यहाँ से आप सर्च करेंगे OFSS, इस तरह सर्च करेंगे, इसको यहाँ पर आप ओपन कर लेंगे OFSS बिहार, इस तरह से आपको आएगा। यहाँ पर पहला वाला पेज ओपन करेंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पेज ओपन हो जाएगा। तो पेज आपका इस तरह से ओपन होगा, और ओपन होने के बाद मैं आपको इसमें दिखाऊंगा पहले कि आपको कौन सी कॉलेज में कितना सीट है। अभी यहाँ पर जो इंटरमीडिएट का ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो अप्लाई होना था, यहाँ पर 27 जून से ही, मतलब 27 मई से ही इसका स्टार्ट किया गया था, सूचना दिया गया था पेपर के माध्यम से कि 27 मई से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। उम्मीद है कि आपको अगला सप्ताह तक आपको, यानी कि 14 तारीख के बाद आपको उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाएगा इसका। तो इसका जैसे स्टार्ट हो जाए मैं आपको कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना हो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिले। तो चलिए मैं आपको इसमें बताऊंगा आपको कि यहाँ पर कॉलेज का लिस्ट कैसे चेक करना है, कौन सी कॉलेज में कितना सारे सीट अवेलेबल है, कौन सी फैसिलिटी में। तो सबसे पहले आपको आना है इस पेज पर, और इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर हेडलाइन यहाँ पर दिया गया है, इस हेडलाइन में यहाँ पर लिखा है कॉलेज इन्फॉर्मेशन। इस कॉलेज इन्फॉर्मेशन पर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंटरमीडिएट एक लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इस तरह से पेज मिलेगा, और यहाँ पर लिखा हुआ कॉलेज वाइज कॉन्सिडेंट स्ट्रीम स्ट्रेंथ। तो क्या करना है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर जो सीट दिखाया जा रहा है ये अभी 2021 से 22 वाले सेशन में है। यहाँ पर जैसे इसका स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इसका अप्लाई का, जैसे अप्लाई का स्टार्ट हो जाएगा तो 14 तारीख के बाद यहाँ पर सीट अपडेट कर दिया जाएगा कौन सी सीट में कितना सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो सीट दिखाया जाता है ये वाला सीट, अभी इसके अनुसार से और बढ़ाया जाएगा, कम नहीं किया जाता है, उम्मीद रहता है कि इसमें सीट बढ़ाया ही जाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एकेडमिक ईयर 2021 से 22 यहाँ पर है, जो 22 से 23 वाला का इसी तरह से आपको देखना होगा। तो चलिए यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट रहेगा, इसी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम पहले सिलेक्ट करना है, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से हैं, मैं औरंगाबाद से हूँ, औरंगाबाद पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर जो कॉलेज का कोड होगा, आप कॉलेज के, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते होंगे तो उस कॉलेज का आप सीट देखना चाह रहे होंगे कि इस कॉलेज में कितना सारा सीट है, तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे पिन कोड डालकर। तो जैसे मैं यहाँ पर एक पिन कोड ले लेता हूँ किसी एक कॉलेज का, और यहाँ पर शो पर क्लिक करता हूँ। आप जिस कॉलेज का आप कोड लेंगे, यहाँ पर जो कोड डालेंगे जिस कॉलेज का, उस कॉलेज का यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर दिखाया जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा है कॉलेज औरंगाबाद का, यहाँ पर 22 से 23 सेशन के लिए, यहाँ पर 22 से 23 सेशन के लिए यहाँ पर कॉलेज कोड यहाँ पर दिखाया गया, कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर सोर्स ऑफ फंडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद कॉलेज का टाइप लिखा हुआ है को एजुकेशनल, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ से आता है यहाँ पर तीन सब्जेक्ट चार सब्जेक्ट यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आर्ट्स अगर लेना चाहते होंगे तो आर्ट्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो 1024 यहाँ पर सीट अवेलेबल है इसके लिए है। अगर साइंस में अगर एडमिशन लेना चाहते होंगे तो यहाँ पर 1536 यहाँ पर सीट अवेलेबल कराया गया है। और अगर उसी तरह से अगर कॉमर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते होंगे तो उसके लिए यहाँ पर 1024 यहाँ पर सीट अवेलेबल कराया गया है। यानी कि तीनों स्ट्रीम में यहाँ पर एग्रीकल्चर का सीट अवेलेबल नहीं है अभी, हो सकता है आपका इसका सेशन जैसे 22-23 वाला यहाँ पर स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना जो भी, जैसे ही इसका 14 तारीख के बाद अपडेट कर दिया जाएगा तो आपको यहाँ पर कॉलेज का सीट यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि बढ़ा है या घटा है, तो उसके अनुसार यहाँ पर आप अपना चेक कर सकते हैं।
कॉलेज का सीट चेक करने के लिए, किसी भी कॉलेज का सीट चेक करने के लिए यहाँ पर आपको उसका रोल कोड डालना होगा। रोल कोड डालने के बाद यहाँ पर शो पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये वाला डिटेल सारा शो कर जाएगा। तो ये थी छोटी सी अपडेट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसका जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई के लिए जैसे ही स्टार्ट हो जाए तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिससे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।